जल्दी से टाइप, वेरी गुड, 14, ठीक है। अच्छा मेरे को ऑक्सीजन का बताएं जल्दी से, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन, वेरी गुड 16। देख के बता रहे हो वैसे बिना देखे, 16, सब देख रहे हैं पीछे। अच्छा हाँ याद कर लेना इसको, है ना। अब हम बात करते हैं, आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। आज का टॉपिक है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट मतलब जो एलिमेंट होता है, ठीक है, उसके अंदर वो डायटोमिक है या बायटोमिक है या पोलियटोमिक है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल होता है, उसके अंदर हाइड्रोजन के दो एटम पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन इज डायटोमिक। हाइड्रोजन कैसा होता है, डायटोमिक। उसी प्रकार मैं बोलूँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन के दो एटम पार्टिसिपेट करते हैं और उससे बनता है ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन भी कैसा है, डायटोमिक। जैसे कुछ होते हैं टेट्राटोमिक भी होते हैं, जैसे फास्फोरस, फास्फोरस कैसा होता है, टेट्राटोमिक। सल्फर, सल्फर कैसा होता है, पोलियटोमिक, कैसा होता है, पोलियटोमिक, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, तो इसमें आप लिखना द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स, सेम टाइप्स ऑफ एटम्स। उसके बाद मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑफ मैनी एलिमेंट्स, सच एज आर्गन। एक सेकेंड बेटा, सच एज आर्गन, सच एज आर्गन। आर्गन को डिनोट करते हैं AR से, आर्गन का सिंबल क्या होता है, AR होता है, ठीक है। हीलियम, हीलियम का सिंबल होता है HE, ठीक है। एलसेक्ट्रा आर made up of only one atom, only one atom of that element, of
डेट एलिमेंट। जैसे आर्गन है ना, उसको हम कभी भी ऐसे नहीं लिखते हैं, Ar2, ये गलत है। हम आर्गन को हमेशा ऐसे लिखते हैं। हीलियम को हम कभी भी ऐसे नहीं लिखते हैं, हम हीलियम को हमेशा ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आर्गन हीलियम एलसेक्ट्रा आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम। कितने एटम से मिलके बना होता है? एक एटम से मिलके बना होता है हीलियम और आर्गन, वो एटम ऑफ डेट एलिमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन होता है उसको ऐसे लिखते हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं इसके अंदर? ऑक्सीजन के टू एटम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हेंस इट इज नोन एज डाइएटोमिक। डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। और एग्जांपल, जैसे एग्जांपल क्या क्या है इसके, जैसे N2 है, O2 है, ठीक है, Cl2 है, ठीक है, एलसेक्ट्रा। तो ध्यान रखना, ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो एटम पार्टिसिपेट करते हों उसको बोलते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब हो गया, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ O3, मैं बात करूँ यहाँ पे O2, मैं बात करूं यहां पे P4, मैं बात करूं यहां पे S6, ठीक है। तो यहां पे देखो, ऑक्सीजन की एटोमिसिटी कितनी है यहां पे? 3। कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहां पे, कितने एटम्स हैं? 3। तो इसकी एटोमिसिटी कितनी है? 3। ऑक्सीजन O2 के अंदर कितनी है? 2। P4 के अंदर कितनी है? 4। S6 के अंदर कितनी है? 6। तो ये जो वाली जो संख्या है उसको हम बोलते हैं एटोमिसिटी। क्या बोलते हैं? हाँ, कौन बोल रहा है बेटा? हाँ, ये तो एक तो आर्गन है और एक ये हीलियम है, ठीक है। हीलियम, HE बोलते हैं इसको, है ना, हीलियम। और इधर मैंने लिखा है N2, O2 और Cl2 क्लोरीन, ठीक है। क्या बोला मैंने उसको? Cl2, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखना, दोबारा से मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स। सेम टाइप का मतलब, जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, O2 हो गया, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, दोनों सेम ही है ना, सेम टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल ऑफ मैनी एलिमेंट्स सच एज, जैसे आर्गन, ठीक है, इनएक्टिव गैसेज होती है, नोबल गैस बोलते हैं इसको, आर्गन है, हीलियम है, एलसेक्ट्रा, आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ डेट एलिमेंट, या इसको बोल सकते हैं हेंस इट इज नोन एज, यहां पे आगे भी लिख सकते हैं हेंस इट इज नोन एज मोनोटोमिक।
ठीक है, जिसके अंदर एक एटम पार्टिसिपेट करे उसको मोनोटोमिक बोलते हैं, जिसके अंदर दो एटम पार्टिसिपेट करे उसको डायटोमिक बोलते हैं, जिसके अंदर तीन एटम पार्टिसिपेट करे उसको ट्राइएटोमिक बोलते हैं, जिसके अंदर चार करे उसको टेट्राटोमिक बोलते हैं, और चार से ज़्यादा करते ही उसको बोलते हैं पॉलीएटोमिक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो इसको हमने बोला मोनोटोमिक। उसके बाद ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स, कितने एटम कंसिस्ट हो रहे हैं यहाँ पे, टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, एंड हेंस इट इज नोन एज डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, और इनको क्या बोलते हैं, मोनोएटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो आपसे कोई बोले कि मोनोएटोमिक मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल बताइए, तो आप लिख सकते हो एच ई और ए आर। आपको कोई बोले डायटोमिक के बताओ, तो आप लिख सकते हो एन टू, ओ टू और सी एल टू। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। प्रियांशी टेलर, नो डिस्कस अनदर पर्सन, अब देखो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी इसी के अंदर है सब टॉपिक, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में ही है सब टॉपिक एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब एटम्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग है इसी के अंदर, सब हेडिंग है एटॉमिसिटी। अभी हम इसके बाद, इसकी डेफिनेशन के बाद एक टेबल बनाएंगे, उसके अंदर हमें एटोमिसिटी देखनी है कि ऑक्सीजन की एटोमिसिटी कितनी होती है, डायटोमिक दो, ठीक है, कितनी होती है दो, और O3 होता है उसकी कितनी होती है, तीन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर्स ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। ठीक है, कि कोई भी जो मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर हाउ मेनी एटम पार्टिसिपेट, कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको उसकी एटॉमिसिटी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, द नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग बोल सकते हैं या पार्टिसिपेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेट इन ए मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। अब यहाँ पे तुम्हारे टेबल दे रखी है 3.3, सभी निकालो टेबल 3.3, सभी अपनी बुक्स के अंदर टेबल 3.3 निकालें। यस, इसके अंदर टाइप ऑफ एलिमेंट इसमें दे रखा है एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट, और टेबल है ये टेबल 3.3, आपकी बुक के अंदर ये जो टेबल दे रखी है वो है 3.3, इसके अंदर चैम्बर बने हुए हैं तीन, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल एलिमेंट। उसके बाद नेम, उसके बाद एटॉमिसिटी,
ठीक है, ये सभी क्या है, नॉन मेटल है। सब किसकी बात करेंगे, हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या है, एक तो है आर्गन, एक है हीलियम, एक है ऑक्सीजन, एक है हाइड्रोजन, एक है नाइट्रोजन, एक है क्लोरीन, एक है फास्फोरस, और एक है सल्फर। सभी को दिख रहा है सल्फर, नीचे था, नीचे तक दिख रहा है सभी को, हाँ। अब हमें इसकी एटोमिसिटी लिखनी है, ठीक है। क्या लिखनी है इसकी एटोमिसिटी। अभी अभी हमने बात की कि आर्गन और हीलियम के अंदर एक ही एटम पार्टिसिपेट करता है, तो इसका मतलब ये कैसे हैं मोनोटोमिक, कैसे है ये मोनोटोमिक। तो इसके सामने हम लिखते हैं मोनोटोमिक, हीलियम भी कैसा है मोनोटोमिक, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंदर कितने एलिमेंट एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, O2, मतलब इसकी एटोमिसिटी हो गई डायएटोमिक। हाइड्रोजन की भी क्या हो गई डायएटोमिक, नाइट्रोजन की भी क्या हो गई डायएटोमिक। अब हम बात करते हैं क्लोरीन की भी कैसी है डायएटोमिक। अब फास्फोरस ये होता है टेट्राटोमिक, और ये होता है पॉलीएटोमिक, ठीक है बेटा। मोनोटोमिक का मतलब जैसे आर्गन कैसे लिखते हैं, आर्गन, आर्गन को लिखते हैं AR से मोनोटोमिक, लीड हीलियम को लिखते हैं HE से मोनोटोमिक, ऑक्सीजन को O2 से, हाइड्रोजन को H2 से, नाइट्रोजन को N2 से, क्लोरीन को Cl2 से, और फास्फोरस को P4 से, और सल्फर को S6 से। S6 भी होता है और ये S8 भी होता है, S6 भी होता है और S8 भी होता है, ठीक है। तो ये है इनकी एटोमिसिटी। आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीजन की एटोमिसिटी कितनी, कैसा है ये डायएटोमिक। आपसे पूछे कोई हीलियम के बारे में तो कैसा है ये मोनोटोमिक। आपसे बोले कोई सल्फर के बारे में कैसा है टेट्राटोमिक। टेट्रा मतलब चार, एटम मतलब एटम, कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे फास्फोरस के, चार एटम, इसलिए टेट्राटोमिक। मोनो का मतलब होता है एक और एटम का मतलब होता है एटम, कितने एटम है हीलियम के, एक एटम है। डाई का मतलब होता है दो एटम, कितने यहाँ पे ऑक्सीजन के, दो, इसलिए कैसा हो गया ये डाईएटोमिक। इतना सभी के समझ में आ गया क्या सर, NCERT, हाँ बेटा NCERT तो चल रही है बेटा, हाँ। सभी इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। आदित्य यादव पूछ रहा है कि NCERT प्रैक्टिकल कौन सी है इसमें, इसमें क्या बोल रहा है यार, सर जिनके पांच एटम होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं पॉलीएटोमिक। मैंने बताया कि चार से जिसके अंदर ज्यादा होते हैं वो पॉलीएटोमिक हो गया, चार तक टेट्राटोमिक, चार से पांच, पांच होते पॉलीएटोमिक, सिक्स होते पॉलीएटोमिक, सेवन होते पॉलीएटोमिक, एट होते पॉलीएटोमिक, तीन हो तो ट्राइएटोमिक। यदि हम बात करें यहाँ पे कोई आपसे पूछे ओजोन, ओजोन, ओजोन को लिखते हैं O3 से, तो ये कैसी है ट्राइएटोमिक है, कैसी है ये भी लिख लेना ट्राइएटोमिक, ठीक है।
ओजोन, ओ जेड ओ एन ई, ओजोन क्या है? ट्राइटोमिक। अब हम बात करते हैं बेटा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट हो गया हमारा। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के अंदर कितने एटम भाग ले सकते हैं? एक या दो। अब हम बात कर देंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ जो कंपाउंड होता है उसके अंदर जो एटम होते हैं वो एक सिंपल प्रोपोर्शन के अंदर भाग लेते हैं। जैसे H2O, H2O चाहे कैसी फॉर्म में हो वहाँ पे हाइड्रोजन हमेशा दो रहेंगे, ऑक्सीजन हमेशा एक रहेगी। ठीक है, तो वाटर क्या है? एक प्रकार से मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, H2O ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, मैथेन ले लो, सल्फर डाइऑक्साइड ले लो, सल्फर ट्राइऑक्साइड ले लो। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है उसमें। ठीक है, ऐसे नहीं कि कुछ भी मिला दिया, प्रोपोर्शन होता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, जैसे मैं बात करूं यहां पे, एक बार देख लो, जैसे वाटर है, वाटर का एक क्या है, ये मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ये क्या है? मॉलिक्यूल्स, वाटर किसका है? ये वाटर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, किसका है ये कंपाउंड? वाटर का है। इसमें जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो हमेशा कैसा होगा? 2:1। कि हाइड्रोजन कितने हैं इसके अंदर? दो। ऑक्सीजन कितने हैं इसके अंदर? एक होगा। ठीक है, हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो हमेशा 2:1 होगा। ठीक है, यदि हम इसका मास देखें, मास के रूप में हम यदि इसको आइडेंटिफाई करें, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। 2 का कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 2:1:8। तो इसका एटॉमिक जो मास का जो रेशियो आएगा, एटॉमिक जो मास का रेशियो आएगा वो हमेशा 1:8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल प्रोपोर्शन जो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर, लॉ ऑफ सिंपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उसको ये फॉलो करता है। ठीक है, तो इससे पहले, सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद इसमें टेबल दे रखी है वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन, इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन is called molecules of compound। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के? कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करके, मतलब उनका जो पार्टिसिपेशन होता है वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर होता है। इसलिए मैंने लिखा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जैसे H2O के अंदर हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा, मतलब डिफरेंट है ना, एक जैसे दिख रहे हैं आपको? अरे एक जैसे दिख रहे हैं हाइड्रोजन वाटर के अंदर? नहीं दिख रहे। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये ध्यान रखना।
इनका जो प्रपोर्शन होगा वो डेफिनेट होगा, ठीक है बच्चों, इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। उसके बाद इसमें आपको एक टेबल दे रखी है, टेबल देखो, इसमें टेबल निकालो 3.4, टेबल निकालो 3.4, टेबल 3.4, इसके अंदर है मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड, टेबल देखो बेटा, इसमें तीन है कंपाउंड्स, ठीक है, कंबाइनिंग एलिमेंट, कंबाइनिंग एलिमेंट है, रेशियो ऑफ मास, रेशियो बाय मास, इसमें क्या क्या है, तीन एलिमेंट हैं, एक तो है वाटर, दूसरा है अमोनिया और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। सभी को दिख रहा है ये, सभी को नीचे तक का दिख रहा है क्या? कौन बोल रहा है ये? हाँ, O3 को क्या बोलते हैं? ओजोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं O3 को? ओजोन बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं, है ना, ठीक है बेटा। हाँ, अब देखिए हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स की। वाटर को किससे लिखते हैं बेटा? H2O से लिखते हैं, H2O। अमोनिया को किससे लिखते हैं बेटा? NH3। किससे लिखते हैं? NH3। और कार्बन डाइऑक्साइड को लिखते हैं CO2। सभी को पता है ये, सभी सामने देखें, सभी स्क्रीन पे देखें। हाँ, अब हम बात करते हैं वाटर की। वाटर के अंदर कंबाइनिंग एलिमेंट कौन कौन से हैं, कौन कौन से एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, बोलो बोलो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखो, एक तो हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है, एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हम लिखते हैं हाइड्रोजन, एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो, हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है उसका रेशियो बाय मास कितना होता है, देखो यहां पे देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने यहां पे 2, ऑक्सीजन कितने यहां पे, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, मास की बात कर रहे हैं, मास कितना होता है 16, तो यहां पे 2, इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो 1:8। सभी के समझ में आ गया, 1:8 समझ में आ गया, तो यहां पे इसका होगा 1:8, ठीक है। अब हम बात करते हैं अमोनिया। अमोनिया के अंदर क्या क्या भाग लेता है, एक तो नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन, तो यहां पे लिखते हैं नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो इसका रेशियो निकाल लेते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का मास नंबर होता है कितना, 14, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, कितने हाइड्रोजन है इसके अंदर, 3 हाइड्रोजन है, तो यहां पे लिख दिया हमने 3, तो 14:3 समझ में आ गया। हाँ, तो यहां पे लिखा मैंने 14:3। अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, सॉरी, कार्बन और ऑक्सीजन। अच्छा जी, अब इसका देखो, इसका मास बाय रेशियो देखो, रेशियो बाय मास, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन का मास नंबर बेटा कितना होता है, 12 है, ठीक है, तो यहां पे लिखा मैंने 12 है। ऑक्सीजन कितना है यहां पे, 2, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, दो ऑक्सीजन का कितना हो गया, 32, तो यहां पे मैंने लिखा 32। काटो इसको, 4 से काटो, 4 3 = 12 और 4 8 = ठीक है 32, ये 3:8 समझ में आ गया। हाँ,
तो यहाँ पे लिखा मैंने 3:8। ये टेबल सभी के समझ में आ गई क्या? ऐसा कोई बच्चा जिसके ये टेबल 3.4 समझ में ना आई हो? टेबल सभी के समझ में आ गई बेटा? ऑक्सीजन का मास तो 16 होता है, प्रियांशु बोल रही है 16 होता है, लेकिन बेटा यहां पे ऑक्सीजन 2 है ना प्रियांशु टेलर? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं? 2। 1 का 16 तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया? 32। तो यहां पे मैंने लिखा 32। इसको सिंपल फॉर्म में लिख लो, कितने किससे कट रहा है ये? 4 से कट रहा है। 4 3 = 12 और 4 8 = 32। 3:8 समझ में आ गया प्रियांशी? ऐसा कोई बच्चा जिसके समझ में नहीं आया हो? सर वीडियो इज नॉट कमिंग क्लियर। बेटा आई होगी है ना, क्लियर आ रही है ना? हाँ, तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? किसी बच्चे को यहां तक प्रॉब्लम है क्या? ठीक है बेटा, तो यहां तक हमें, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो सब चीजें आपको अंगुली पे याद होनी चाहिए। ठीक है, सभी को ये चीजें याद होंगी, तब जैसे जैसे हम चैप्टर के अंदर एंटर करते जाएंगे तब ही हमारे समझ में आएगा जब हमारे प्रीवियस लेक्चर हमारे याद है। यदि प्रीवियस लेक्चर आपके याद नहीं है तो आप उसके अंदर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो प्रॉपर वीडियो देखें, प्रॉपर लाइव आएं, प्रॉपर अपना वीडियो विजिबल करें, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करें, स्टडी पे फोकस करें और दूसरों से आपस में मतलब एक प्रकार से बात ना करें। ठीक है, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जब हम पढ़ाई करते हैं तो बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान रखना है। ठीक है, अभी जैसे कल RAS का रिजल्ट आया था तो एक ही फैमिली के अंदर 3 बहनों का सिलेक्शन हुआ है RAS में, राजस्थान एसोसिएशन सर्विस। ठीक है, तो आप भी यदि पढ़ाई करोगे रेगुलर तो आपका भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम 9th क्लास पढ़ रहे हैं तो 9th क्लास की जितनी भी बुक्स हैं आपके पास, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो SST हो, सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। ये सभी चीज़ें ही आने वाली जो एग्जाम्स होती हैं उनमें पूछते हैं। ठीक है, 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक की जो बुक्स होती हैं, NCERT की जो बुक्स होती हैं, उनसे बाहर कुछ नहीं जाता है, सभी क्वेश्चंस उन्हीं में से आते हैं। बस वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया कि ओजोन क्या है? मोनोटोमिक, ट्राईएटोमिक, पॉलीएटोमिक, तो आप किस पे टिक करोगे? ट्राईएटोमिक पे। किस पे टिक करोगे? ट्राई। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज, आ गया 16 32 84, तो आप किस पे टिक करोगे? 16 पे। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, हाँ, तो बेटा आज के लिए इतना ही, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में मंडे को। ठीक है बेटा, सभी बच्चों को बाय बाय। ओके बेटा, यस।